केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी के साथ कांग्रेस को सबसे ज्यादा हुई हैरत। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे से एक तीर से कईयों को निशाने पर लिया। अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा करने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस अब दोनों जा रही हैं। हरियाणा में बदलने वाला है राजनीतिक माहौल। केजरीवाल तो अपनी राजनीति का दिखा रहे जलवा। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की इस रणनीति के बारे में बीजेपी ने तो सोचा ही नहीं था। जब तक समझ पाई, केजरीवाल की राजनीति रफ्तार के साथ आगे बढ़ गई। कांग्रेस तो चूक कर गई। मौका था केजरीवाल से हाथ मिलाने का। हाथ मिला लेती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। यकीन मानिए, कांग्रेस अब बीजेपी से जीती हुई बाजी अरविंद केजरीवाल के हाथों में दे चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल ने क्यों इस्तीफा दिया, असल वजह जानेंगे तो यही कहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक अच्छा राजनीतिक कदम उठाया, ये कदम तो उठाना ही चाहिए था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के 48 घंटे के भीतर अचानक इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, उसने एक बार फिर राजनीतिक पंडितों को हैरत और गफलत में डाल दिया है। अपने फैसलों से सबको सरप्राइज करने में माहिर अरविंद केजरीवाल ने स्वेच्छा से इस्तीफे की पेशकश कर एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया। उनका यह फैसला कई मायनों में आम आदमी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। शराब नीति से जुड़े मामलों में ईडी सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत अन्य जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें से ज्यादातर को अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। केस की सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए, उनको आधार बनाकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच ये परसेप्शन बनाने में काफी हद तक कामयाब रही कि शराब नीति से जुड़े मामले में कई झूल हैं और इस केस में नेताओं को फंसाने की कोशिश की गई है। हालांकि बीजेपी लगातार इस केस को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही थी। केजरीवाल ने पहले तो ये कहकर इस्तीफा नहीं दिया कि उनका इस्तीफा लेकर बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की साजिश कर रही है। हालांकि अब जमानत मिलने के बाद खुद ही इस्तीफे की पेशकश कर केजरीवाल ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी हैरत में डाल दिया है। इस समय हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। सीएम पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा की जनता के बीच भी ये मैसेज देगी कि आम आदमी पार्टी दूसरों से अलग है और केजरीवाल को पद का लालच नहीं। चूंकि हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बात नहीं बनने के कारण अब आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में वहां केजरीवाल के इस दाव के बाद पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को अब आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा के सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। वैसे भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राजनीति को कुछ करने के लिए खास नहीं था। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर और अपनी पार्टी की दृष्टि से भी हरियाणा के रण में कूदना जरूरी था। अब एक्टिव तौर पर अरविंद केजरीवाल हरियाणा में अपनी पार्टी को राजनीतिक तौर पर रफ्तार देते दिखेंगे। शायद कांग्रेस को मिले मौके को अपने पास ले आए। शायद हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दिया हो।